इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑल इंडिया मीटर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड में दौड़ रहा है। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा सबसे ज्यादा डराने वाला है। 2,24,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक बार फिर 1,300 से ज्यादा मौत हुई है। लगातार तीसरा दिन है जब देश में 2,00,000 से ज्यादा केसेस निकले हों। सरकारें लगातार मंथन कर रही हैं, लेकिन कोरोना की स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। कुछ राज्यों की अगर हम बात करें जिसमें महाराष्ट्र का नाम आता है, छत्तीसगढ़ का नाम सामने आता है, जहां पर बेतहाशा कोरोना केसेस में वृद्धि देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड टूटे हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है, उसकी वजह से और ज्यादा क्लैरिटी मिल पा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करवाई जा रही है, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, अस्पतालों को और ज्यादा अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आज स्वास्थ्य मंत्री की सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण कही जा रही है। कोरोना का काटा आज देश में किस तरह से कहर ढा रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं हम। पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए मामले रिपोर्ट हुए, जबकि 1,341 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में कोरोना का हाल सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। करीब 20,000 नए मामले और 141 लोगों की जान गई है। ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में कैसे कोरोना की दहशत सबसे ज्यादा है। हर घंटे 6 लोगों की जान जा रही है दिल्ली में। दिल्ली में कैसे कोरोना ने मौत का रिकॉर्ड बनाया है, वो तस्वीरें आप देखिए। 121 जाने 23 नवंबर यानी पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, तब गई थी, और 16 अप्रैल को 141 जाने गई हैं। ये आज हम आपके सामने आंकड़ा रख रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।